ठीक है, जेनेटिक्स के कुछ टर्मिनोलॉजी अपन देखेंगे। तो सबसे पहले जो टर्मिनोलॉजी देखेंगे अपन वो जीन। सो व्हाट इज मीन बाय जीन, जीन किसे कहते हैं? इट इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए। डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा रहता है जिसे हम क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। ठीक, अब ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। और जीन ही क्या करते हैं, वो क्रोमोसोम के अंदर से आते हैं। देखो हाँ, ये बात याद रखो, क्रोमोसोम क्या रहता है, एक्चुअली क्रोमोसोम के अंदर ही क्या प्रेजेंट रहते हैं, जीन प्रेजेंट। ठीक है, तो क्रोमोसोम क्या रहता है, वो रहता है कैरियर, क्या रहता है, कैरियर। यानी कि हम बोलते एक आधी चीज एक जगह से दूसरे जगह लेकर जाने का काम जो करता है उसे हम क्या कहते हैं, कैरियर, कैरियर कहते हैं। क्रोमोसोम जो जेनेटिक टर्मिनोलॉजी में जो यूज होगा उसका नाम क्या है, क्रोमोसोम। ठीक है, तो ये चीज आपको इम्पोर्टेंट है कि जीन जो है इट इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए, ये एक डीएनए का क्या है, टुकड़ा है। ठीक है, उसके बाद क्रोमोसोम क्या है, तो क्रोमोसोम कैरियर से, यानी कि वो क्या करता है, एक जगह से दूसरे जगह पर क्या लेकर जाता है, जीन में इंफॉर्मेशन, क्या कहेंगे हम, जेनेटिक इंफॉर्मेशन। जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्या करता है, वो लेकर जाता है। ठीक है, और अपन देखते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक, यानी के माँ बाप से बच्चों में क्या होते हैं, तो कैरेक्टर जो रहते हैं वो क्या होते हैं, पास होते हैं। कैरेक्टर क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। तो एक देखे थे कैरेक्टर, आपको याद है या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन कैरेक्टर भी एक चीज है। कैरेक्टर क्या रहता है, हाँ बोल सकते हैं आपकी एक आधे इंडिविजुअल की एक स्पेशलिटी जो रहती है उसे क्या कहते हैं हम, कैरेक्टर रहते हैं। ठीक है, कौन सा एक आधा इंडिविजुअल का कैरेक्टर अलग रहता है, उसके बाद किसी की हाइट, किसी की टॉल डॉर्फ जैसे कि हमने देखे थे, उसके बाद देखेंगे हम किसी की हाइट हो गया, किसी का कलर हो गया। ठीक है, ये ब्लैक व्हाइट डोमिनेंस रिसेसिव, तो इस तरीके का आते हैं कैरेक्टर में, कहाँ पर आते हैं, कैरेक्टर में। उसके बाद क्रोमोसोम कैरेक्टर के बाद हमने देखे थे फेनोटाइप, यानी कि क्या, एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ कैरेक्टर, एक्सटर्नल ऑफ कैरेक्टर। ओके, एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ कैरेक्टर का मतलब क्या होता है, एक्सटर्नल यानी कि बाहर से, अब बाहर से दिखने वाले, सपोज एक ट्री है, ठीक है, अब हमने बाहर से देखे तो हमें दिखती इसकी हाइट, ट्री कैसा है, ओके, ट्री टॉल है या डॉर्फ है हम डिसाइड कर सकते हैं, यानी कि हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं उसके, फिनोटाइप, एक्सटर्नल, उसे क्या कहेंगे, फिनोटाइप, एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ द, ओके, अब हमने डिसाइड कर दिया फिनोटाइप ही, ये फिनोटाइप कैसा है, उसकी हाइट है टॉल, यानी कि वो कैसा है, ऊंचा है। ठीक है, हमने डिसाइड कर दिया, अब ये ऊंचा है ये तो इतना हमने डिसाइड कर दिया, पर उसका जीनोटाइप हमने डिसाइड नहीं किया। अब जीनोटाइप का मतलब क्या रहता है, व्हाट इज मीन बाय जीनोटाइप, जीनोटाइप का मतलब होता है जेनेटिकली क्या करना है, जेनेटिकली राइट करना है, जेनेटिकली राइट, ऑन द पेपर, ओके, इज नोन एज द जीनोटाइप, यानी कि हम जिस तरीके से जेनेटिकली उसको क्या करते हैं, राइट करते हैं, लिखते हैं। ठीक है, अब टॉल का क्या रहता है जीनोटाइप, हमको मत पता है, टॉल किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल टी से, और अगर हमें डॉर्फ का जीनोटाइप लिखना है तो वो किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल टी। तो ये हम एक्चुअल में ये शो कर सकते हैं हम कि फिनोटाइप यानी कि बाहर से जो दिखता है, और जीनोटाइप यानी कि जेनेटिकली राइट ऑन द पेपर। उसके बाद पुन्नेट स्क्वायर देखे थे, पुन्नेट स्क्वायर का मतलब क्या है, रिवाइज करता हूं मैं, कैरेक्टर क्या रहते हैं, एक आधा बाहर से दिखने वाले जो चीज रहती है, एक्सटर्नल अपीयरेंस, ओके, और फिनोटाइप
एक्सटर्नल अपीयरेंस यानी कि जो बाहर से दिख रहे है हमें, ये ट्री कैसा है, टॉल है, ठीक है, उसकी हाइट कैसी है, ठीक है। उसके बाद है जीनोटाइप, ये कैसे है, जेनेटिकली राइट ऑन द पेपर ऑफ जीनोटाइप, यानी कि जीनोटाइप कैसे है, जेनेटिकली राइट यानी कि उसे क्या करते हैं, हम जेनेटिकली टर्म्स यूज करते हैं, जैसे कि टॉल हो गया, ओके, उसके बाद डॉर्फ हो गया, ओके, ये आ रहे हैं जेनेटिकल टर्म्स, ये क्या आ रहे हैं, जेनेटिकल टर्म्स आ रहे हैं। आपको फिनोटाइप समझ में आ गया, जीनोटाइप समझ में आ गया, उसके बाद है डोमिनेंट, सुपेरियर कैरेक्टर प्रेजेंट इन द इंडिविजुअल, यानी कि जो बड़ा कैरेक्टर है वो एक आधे इंडिविजुअल में, ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट रहना, उसे ही हम क्या कहते हैं, डोमिनेंट कैरेक्टर कहते हैं, ठीक है। अब सुपेरियर कैरेक्टर यानी कि इससे मुतालिक क्या है, यानी कि इसका विशेष क्या है, कि सुपेरियर कैरेक्टर किसको कहते हैं, तो सुपेरियर कैरेक्टर हम उसको कहते हैं जो कैरेक्टर कैसा हो, बड़ा। जनरली हम देखते हैं प्लांट कैसा रहता है देखने में, टॉल रहता है, दूसरा कोई डॉर्फ छोटे भी रहते हैं प्लांट, ओके, झुड़ू पे जे अपन त्याला म्हणतो, ठीक है, लहान लहान प्लांट असतात, तो ये जो अपन ने देखे थे सुपीरियर कैरेक्टर प्लांट। लेकिन यहाँ पर सुपीरियर हम किसको बोलते हैं, जो अच्छा रहा हाइट में वगैरह, टॉल रहा, तो यार क्या डैशिंग मैन जा रहा है, ठीक है, तो ये क्या है, उसका टॉलनेस है, ये उसका सुपीरियर कैरेक्टर है, अरे क्या हैंडसम कोई पर्सन जा रहा है, तो ये क्या है, उसका सुपीरियर कैरेक्टर, ठीक है। तो ये डोमिनेंट पे जो बोलेंगे हम वो सुपीरियर कैरेक्टर यानी कि कोई बड़ा कैरेक्टर, ओके, जैसा कि टॉल हो गया। और फ्लावर में देखे थे हमने येलो कलर के फ्लावर कैसे रहते हैं, डोमिनेंट रहते हैं, ठीक है। अब ये एग्जांपल है, उसके बाद देखेंगे हम डोमिनेंट के बाद जो, उसे कहेंगे हम रेसेसिव, क्या कहेंगे, रेसेसिव कैरेक्टर किसको बोलेंगे, सुपीरियर से अलग यानी कि इन्फीरियर यानी कि छोटे अपोजिट ऑफ द डोमिनेंट, यानी कि डोमिनेंट से कैसे रहेंगे वो, इन्फेरियर कैरेक्टर प्रेजेंट इन द इंडिविजुअल, यानी कि वो कैसे कैरेक्टर रहेंगे, इन्फेरियर रहेंगे यानी कि छोटे कैरेक्टर रहेंगे, जो प्रेजेंट रहेंगे इंडिविजुअल्स में उसे ही हम क्या कहेंगे, रेसेसिव कैरेक्टर रहेंगे। डोमिनेंट हो गया, रेसेसिव हो गया, उसके बाद फिनोटाइपिक रेशियो, फिनोटाइपिक रेशियो जैसे ही देखे थे हमने, फिनोटाइप यानी कि बाहर से जो दिख रहा है, एक्सटर्नली जो दिख रहा है, तो हम कहेंगे एक्सटर्नल कैरेक्टर रेशियो इज नोन एज द फिनोटाइपिक रेशियो। जैसे कि हमने एक प्लांट लिए, प्लांट को यस रेशियो का मतलब रहता है एक प्रोपोर्शन, जैसा कि हम दो चीजों में अगर तुलना करें, कंपैरिजन करें, तो दो चीजों की तुलना करें बाद जो हमें रिजल्ट मिलता है उसे रेशियो कहते हैं, ठीक है। तो जैसा कि हमने दो चीज में क्या करे, क्रॉस करे टॉल और डॉर्फ में, और हमें क्या मिला, टॉल और डॉर्फ, दो चीजों में हमने कंपैरिजन करे, लेकिन क्या है, इनका रेशियो अलग अलग आ सकता है। जैसे कि हमें डायब्रिड क्रॉस में 3 आता है टॉल का, और डॉर्फ का कितना आता है, 1, यानी कि 3:1, ये क्या हो गया इनका, फिनोटाइपिक रेशियो। डोमिनेंट क्या है, सुपीरियर कैरेक्टर प्रेजेंट इन द इंडिविजुअल, एग्जाम्पल इज टॉल। रेसेसिव क्या है, इनफेरियर कैरेक्टर प्रेजेंट इन द इंडिविजुअल।
उसके बाद है फिनोटाइपिक रेशियो. सो व्हाट इज मीन बाय फिनोटाइपिक रेशियो? एक्सटर्नल कैरेक्टर्स रेशियो इज नोन एज द फिनोटाइपिक रेशियो. यानी कि बाहर से जो दिख रहे हैं उसे कहेंगे हम फिनोटाइपिक रेशियो. ओके, समझ में आया आपको कंसेप्ट फिनोटाइपिक रेशियो का? जब हम क्रॉस निकालेंगे, नंबर ऑफ क्रॉस परफॉर्म करेंगे, तो हमें क्या होगा वो रेशियो के बारे में पता चलेगा. तो ये हो गया है आपका फिनोटाइपिक रेशियो. अब फिनोटाइपिक रेशियो के बाद हम क्या करेंगे? तो फिनोटाइपिक रेशियो के बाद हम जीनोटाइपिक रेशियो के बाद करेंगे. अब आप बोलिए जीनोटाइपिक रेशियो क्या है? व्हाट इज मीन बाय जीनोटाइपिक रेशियो? जैसा कैरेक्टर की पहले की नहीं, हम बोल देंगे जैसा कि हमने फिनोटाइपिक रेशियो देखे. फिनोटाइपिक रेशियो में क्या देखा हमें? फिनोटाइपिक रेशियो में हमने ये देखे कि जो एक्सटर्नल अपीयरेंस थे वो कैरेक्टर, जैसे कि टॉल और डॉर्फ. लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे जेनेटिकली जो टर्म है टॉल और डॉर्फ का, उनका रेशियो. रेशियो सिंपली जेनेटिकली टर्म रेशियो. सो व्हाट इज द जेनेटिकली टर्म रेशियो? इन द वन वर्ड यू से दैट दी व्हेन वी क्रॉस दी बोथ पेरेंट्स देन वी गेट द रेशियो ऑफ, ऑब्वियसली फिनोटाइपिक रेशियो वी विल गेट, बट इन द अदर हैंड वी विल आल्सो गेट, व्हाट वी आल्सो गेट? वी विल गेट द जीनोटाइपिक रेशियो. मींस दैट द इफ टॉल डॉर, okay, this ratio is phenotypic ratio, but we know that the this is also tall, okay, and this is also tall. Why the both are the tall? क्यों ये दोनों tall है? क्योंकि ये दोनों का tall पहला letter capital है, small t small. हो गया इनका ratio 1:2:1. जरा देखिए tall capital T capital T क्या था? 1. उसके बाद है कैपिटल टी स्मॉल टी, ये क्या है? 2. उसके बाद है स्मॉल टी, ये क्या है? 1. ठीक है. अब दूसरे लैंग्वेज में डबल टी डबल स्मॉल टी इज 1. कैपिटल टी कैपिटल टी यही पूछ रहे ना आप, कैसा आया सर? डबल कैपिटल टी एक क्यों आया? कैपिटल टी कैपिटल स्मॉल टी सॉरी स्मॉल टी डबल टी स्मॉल टी स्मॉल क्यों आया? वही आपका जवाब एक, हाँ समझ रहे हैं, एक क्यों आया वही आपका जवाब हम देंगे, ठीक है? क्योंकि आपको हम समझ में आ गया कि आपने ये बोले कि सर एक इधर आया दो इधर आया उसके बाद एक वापस से क्यों आया, दो क्यों नहीं आया, ठीक है? तो वो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो. तो अभी हम बताएंगे आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस किस तरीके से. वही बता रहे थे हम कंसेप्ट मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या रहता है. तो बता सकेंगे आप मोनो हाइब्रिड क्रॉस किसे कहते हैं? रिपीट चल रहा है ये पोर्शन, अगर आपको पता होगा सुनिए आप गौर से. मोनो हाइब्रिड क्रॉस का मीनिंग क्या रहता? व्हेन क्रॉस ऑकर्स ओनली विथ वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, ठीक है? चलिए ओके. व्हेन द क्रॉस नहीं हो रहा है, व्हेन द क्रॉस ऑकर्स विद द ओनली वन पेयर, कितना है? ऑकर्स विद कितना पेयर रहेगा? वन